Hey guys, welcome back to another vlog. और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था दैट वी विल बी ब्रिंगिंग द कंपैरिजन बिटवीन थार और जिम्नी, मैंने आप लोगों से कहा था कि कम से कम 500 सब्सक्राइबर करवा देना, नहीं करवाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे फिर भी। आप लोगों को दोनों का डिफरेंस बताएंगे, दोनों में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, दोनों में क्या कंपैरिजन है, सब आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तो कर लो, 500 सब्सक्राइबर होते कि नहीं देखा जाएगा। होपफुली ये कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को हेल्प करे टू चूज बिटवीन दिस टू कार्स। जिम्नी है वो थोड़ी छोटी है, 5-6 इंच नीचे दिख रही है कम्पेयर टू थार। और अगर मैं इसके फ्रंट ग्रिल और इसकी बात करूं तो ये थोड़ा रगेड लुक दे रहा है। तो जिम्नी का अगर मैं लुक की बात करूं तो इट लुक्स मोर लाइक एस्प्रेसो। इसको जीप का लुक देने का ट्राई किया है, मतलब जो इसकी हेडलैम्प जो है वो जीप से काफ़ी इंस्पायर्ड है, वो उस तरीके का लुक थोड़ा आया है अलग से। थार की जो है इसमें DRLs हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स, उसमें नहीं है, उसमें कोई भी वर्जन में नहीं है। इसके दो वर्जन आते हैं तो दोनों में से किसी भी वर्जन नहीं है। ये सिर्फ पेट्रोल में आती है जो गाड़ी है, और ये पेट्रोल डीजल दोनों में आती है। ये भी ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है, मेरे पास मैनुअल मॉडल है। इसमें फॉग लैंप है क्योंकि ये थोड़ा हायर वर्जन ऑफ थार है। हायर वर्जन पर जाओगे तो इसमें भी आप लोगों को फॉग लैंप्स मिल जाएंगी, फॉग लैंप्स और फिर जो लाइट्स हैं उनका वॉशर भी आता है इसमें, और वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रंट से दोनों को कंपेयर करूँ तो ये थोड़ा मेनली लुक हैवी फील करवाएगी आप लोगों को देखने में भी, और ये थोड़ा लाइट वेट और विथ वाइज है, विथ इसकी काफ़ी कम है कम्पेयर टू थार। थार की विथ ज़्यादा है तो आपको अंदर बैठने के टाइम में स्पेस ज़्यादा मिलता है, सो यू फील मोर ओपन कम्पेयर टू जिम्नी। जो सीटिंग है वो काफ़ी क्लोज है बिकॉज ऑफ द विथ, विथ काफ़ी छोटी है। सो गाइस, अगर पीछे से दोनों गाड़ी को कंपेयर करूँ तो जो विजिबल डिफरेंस है दैट इज़ बिटवीन दी टेल लाइट्स। जो जिम्नी की टेल लाइट है वो नीचे की तरफ दी हुई है ऑन दी बम्पर, और जो थार की टेल लाइट्स हैं वो ऊपर हैं ऑन दी साइड। बिकॉज जिम्नी का जो विड्थ है वो कम है, उसके वजह से जो डोर ओपनिंग स्पेस है वो कम हो जाती है। उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए उन्होंने क्या किया है, मारुति ने क्या किया है, मारुति ने उनकी जो लाइट्स हैं बैक लाइट्स वो पीछे दे दी हैं। ऑफ रोडिंग में जाओगे आपका बम्पर डैमेज होता है तो आपकी जो टेल लाइट है सबसे पहले उड़ जाएंगी अगर नीचे रहेंगी तो, अगर ऊपर हैं तो टेल लाइट बजने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी एक लाइट, ये लाइट नहीं है, रिफ्लेक्टर्स हैं, मतलब ब्रेकिंग जब ब्रेक लगती है तो जो लाइट जलती है वो है। सो मारुति की जीप के बाद ये एक इकलौती गाड़ी है जिम्नी जिसके पीछे आपको टायर मिलता है ऐसा, और थार में तो ये क्योंकि अलॉय व्हील्स हैं पीछे इसके व्हील मिला है और ज़्यादा रगेड लगती है। पीछे से भी मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा बेटर थार ही लग रही है मुझे। अब मैं बायस नहीं हूँ, मुझे जो फील हो रहा है, जो दिख रहा है, मैं वही बता रहा हूँ। गाइस, बूट स्पेस दिखाने के लिए हमारे पास है हमारे फ्यूज। सो बूट स्पेस इसका 210 लीटर का है जो जिम्नी है, और एक आदमी फिट कर सकता है आराम से आप अंदर। एक फ्यूज फिट हो सकता है आपको, ये कर दीजिए 5-5.5 फुट का है, हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, ये ऑटोमेटिक पीछे जा, छोड़ देगा ऑटोमेटिक जाएगा वो। सो गाइस, थार की बूट स्पेस अगर कंपेयर करूँ मैं जिम्नी के कंपैरिजन में तो थार का बूट स्पेस थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, और ये 50-50 स्प्लिट होती है सीट्स, तो ये बढ़ के 600 लीटर हो जाता है। पहले नीचे का खुलता है उसके बाद ये ऊपर का। अभी हम करने वाले हैं साइड बाई साइड कंपैरिजन ऑफ बोथ दी कार्स, ये हमारी जिम्नी और ये थार। सो जिम्नी का अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो जिम्नी का ग्राउंड क्लियरेंस 210 का है, 210 mm का है। तो मैं अगर बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ऊंचा है, 226 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर मैं व्हील्स की बात करूँ तो इसके व्हील्स हैं 19 इंच के जो कंपनी फिटेड आए हैं एलॉय व्हील्स, और जिम्नी के 15 इंच के आते हैं। और अगर आपको एलॉय व्हील्स लगवाने हैं तो इसमें 16 इंच के एलॉय व्हील्स कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं आपको, वो लेके आप लगा सकते हो। और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो आपको दिख ही रहा होगा कि हाइट, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हाइट जिम्नी की कम है, थार की हाइट भी ऊँची है बिकॉज ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस एज वेल, थोड़ी ऊँची दिख रही है। यहाँ आपको 4x4 की बैजिंग मिल जाती है, और इसमें आपको 4x4 की बैजिंग नहीं मिलेगी, आपको पीछे ऑल ग्रिप लिखा हुआ दिखेगा। पता नहीं साइड थोड़ा जी वैगन लुक देने का ट्राई तो किया है इन लोगों ने, लेकिन इतना कन्विंसिंग जी वैगन नहीं है, काफ़ी छोटा है। एंड थार इज हार्ड टॉप, बढ़िया रगेड लुक। सो गाइस, अगर मैं अंदर सीटिंग की बात करूँ तो जिम्नी में आपको सीट एडजस्टमेंट है वो नहीं मिलेंगे, और आपको सिर्फ सीट आप आगे पीछे करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। आप स्टेयरिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, वो लॉक अगर आप हटाओगे, लॉक नहीं, अगर आपको लॉक दिखेगा तो ये लॉक आप हाइट इसकी स्टेयरिंग की हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन क्लस्टर दिख रहा होगा तो ये एनालॉग है, डिजिटल नहीं है। यहाँ पे आपको डिजिटल मिल जाएगा जिसमें आप रेंज वगैरह ये सब चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो इंफोटेनमेंट सेंटर जो है दैट इज 6 इंच का है ये, और इसका जो ऊपर वाला वर्जन आता है अल्फा उसमें ये 9 इंच का मिलेगा। आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, ये भी आपको हैंड एडजस्टेड ही है, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है विथ हार्ड टॉप, और ये आपको एक लाइट मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको आपके विंडो अप एंड डाउन के कंट्रोल मिल जाएंगे, ये आपका 4x4 एक्टिव डीएक्टिव करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। एक नेगेटिव क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ भी बॉटल रखने की जगह नहीं मिलती है, अब ये बहुत छोटी स्पेस है, और ये जो फील है इसका प्लास्टिक फील है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता है, अगर इसको आप दबाओगे या खींचोगे तो हिलता भी है थोड़ा बहुत, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको मतलब अंदर जो फील है वो इतना ज़्यादा वैसा रगेड फील नहीं होता है अगर आप अंदर भी गाड़ी को बैठते हो तो। फ्रंट विंडो
अप एंड डाउन करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, साइड मिरर जो है वो आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो ऑन एंड ऑफ ऑप्शन है इसमें, सो गाड़ी जब ट्रैफिक में खड़ी रहती है तो ऑटो ऑफ हो जाती है, सो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो अच्छा खासा स्पेस है ऊपर, 5-11 फीट का हूँ तो अगर ऊपर स्पेस मिल रहा है देन दैट्स गुड। सो भाई अगर मैं पीछे से कंपेयर करूँ तो ये थोड़ी ऊँची है, आगे कंपेरिजन में पीछे थोड़ा ऊँची, इसलिए हेड स्पेस आपको थोड़ा कम मिलेगा। और अगर आप लेग रूम की बात करो तो लेग रूम बिल्कुल नहीं है, मैं 5-11 फीट का हूँ और अगर मैं अपने हिसाब से आगे की सीट एडजस्ट करके रखूँ तो आपको लेग स्पेस नहीं मिलेगा, पहले बहुत कंजेस्टेड है। लंबी जर्नी करने के लिए पीछे बैठोगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, पीछे एसी वेंट्स नहीं है, एसी वेंट नहीं है तो हवा पीछे तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। उसके अलावा ना कप होल्डर्स पीछे भी नहीं है, और प्लस पीछे एक लाइट मिलेगी आपको, और उसके अलावा जो सीट है उसमें आपको जो आपका थाई सपोर्ट है वो भी नहीं है, और सीट बहुत आगे फील हो रही है आपको, मतलब पीछे रह के या फिर लेट बैक फील नहीं होगा, आप आगे बैठ रहे हो तो ही सही है, अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो आप बहुत परेशान होने वाले हो। सर गाइस चलते हैं अभी थार के अंदर। सबसे पहले तो थार में अंदर घुसने का और चढ़ने का काफ़ी ऊंचा है तो आपको लीप करना पड़ता है इसमें चलने के लिए, और आप घुसते ही आपको फील होता है कि हाँ आप बैठे हो किसी हैवी गाड़ी में। स्पेस से ऊपर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जिमनी, हल्का सा ज़्यादा लग रहा है मुझे स्पेस, मुझे फील हो रहा है। और विथ वाइज भी मैं अगर बात करूँ तो मुझे थार में बैठ के खुला खुला फील हो रहा है, मतलब ये नहीं कि क्लस्टरफोबिक है, क्लस्टर जैसा फील हो रहा है। जिमनी में बैठा था, जिमनी में अजीब सा बंद टाइप लग रहा था और विथ के हिसाब से बहुत कम था। तो थार की अच्छी बात क्या है कि थार में आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है और आप फ्रंट बैक भी कर सकते हो और हाइट एडजस्टमेंट भी है, जिमनी में वो चीज़ नहीं है, सो वो एक डिसएडवांटेज है। थार में आपको अपने स्टेयरिंग अप और डाउन एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, सो आप अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंस के हिसाब से इसे अप और डाउन कर सकते हो। ये है थार का फील, जब थार में फील करते हो बढ़िया से आपको लोगो मिल जाता है महिंद्रा का, और ये भी एनालॉग ही है बट थोड़ा सा बेटर लग रहा है लाइटिंग के हिसाब से। स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन इसकी भी 6 इंच की है, ऐसी वेंट्स जो हैं वो जिमनी के कंपेरिजन में थोड़े सिंपल तो हैं लेकिन बढ़िया दिख रहे हैं, मतलब वेल पुट टुगेदर ऐसा फील हो रहा है मुझे देख के। और इसके अलावा जो यहाँ पे आपको अगर जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपका विंडोज अप एंड डाउन करने का। अच्छी बात क्या है, थार का जो है वो थोड़ा आगे की तरफ है, जिमनी का है यू हैव टू रीच आउट, थोड़ा पीछे जाना पड़ता है आपको हाथ करके, तो वो एक पॉजिटिव है थार में। और यहाँ पे आपको अपने 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जिमनी में भी 2 कप होल्डर हैं यहाँ पे, बाकी आपको डोर के साइड में कप होल्डर्स नहीं मिलते जिमनी में, लेकिन थार की अच्छी बात क्या है आपको कप होल्डर्स या फिर बॉटल होल्डर आपको साइड में मिल जाएंगे। विंडो ऑप्शन यहाँ पे है आपका जो बढ़िया, जो हर गाड़ी में ऑलमोस्ट यहीं पे होता है। इसके अलावा यहाँ लाइट की हेडलाइट आपको अप डाउन जो होती है वो करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा एक अच्छा पॉइंट क्या है कि जो आप फील है ना गाड़ी का फील, अगर आप दबाते हो छूते हो तो कुछ हिलता नहीं है। यहाँ बढ़िया हार्ड टॉप ऊपर है, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, फिर वांट कि ओपन हो जाए तो आप इसको खोल भी सकते हो। थार के बैक सीट की अगर मैं एक नेगेटिव बात बोलूँगा तो बस यही है कि आपको ये खोलना पड़ेगा, यहाँ से आपको ये खोलना पड़ेगा यहाँ से पीछे जाने के लिए, और ये बस निकलना और घुसना एक नेगेटिव मुझे दिखता है इस गाड़ी में। ज़्यादा लंबे हो या फिर ज़्यादा मोटे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। गाइस अभी मैं बैठा हूँ थार के बैक सीट पे और यहाँ पे रूम बहुत ज़्यादा है, आगे वाली सीट जो लेवल पे है सेम लेवल पे बैक सीट भी है, जिमनी के जैसे नहीं, जिमनी के पीछे की थोड़ी ऊपर है और कंजेस्टेड है यार वहाँ पे, मतलब ऐसे आगे का फील हो रहा था। और इसमें ऐसा है कि आप लेट बैक बढ़िया सो सकते हो, वहाँ सोने में भी दिक्कत होने वाली है आपको। अगर मैं ये सीट पीछे करूँ या फिर अगर मैं ड्राइवर सीट के पास भी जाऊँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो भी मेरे पास ठीक ठाक लेग रूम है, कंफर्टेबल। अब मैं अपनी पैर यहाँ डाल दूँ तो मुझे अच्छा खासा लेग रूम मिल जाएगा ताकि मैं रिलैक्स होकर यहाँ पे सो सकता हूँ। कप होल्डर पीछे भी नहीं है, वेंट यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे क्लस्टरफोबिक नहीं फील हो रहा है और हेडरूम मुझे काफी बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे बैठने के लिए। बस एक इन और आउट का एक ऑप्शन है जो थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, जस्ट बिकॉज ये 3 डोर है इसलिए उतना डिफरेंस तो हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिमनी जो है वो 5 डोर है। इंडिया के बाहर जिमनी 3 डोर में आती है, इंडिया के अंदर 5 डोर में आ रही है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है जो पीछे की जो भी इश्यूज है वो इसी वजह से आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम करेंगे ड्राइव टेस्ट, पहले थार का ड्राइव टेस्ट करते हैं और आपको। तो गाइस अगर मैं इंजन की बात करूँ तो थार का इंजन 2.2 लीटर का आता है, ये 6-speed मैनुअल इंजन है इसका, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट में भी आती है, ऑटोमेटिक वेरिएंट में 4-speed ऑटोमेटिक वर्जन आता है। अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो ये अराउंड 300 Nm का टॉर्क देता है हमें। और पिकअप वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो पिकअप काफ़ी अच्छा है, आपको हैंड पिकअप के हिसाब से गाड़ी डिसअपॉइंट नहीं करती है। और लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जब आप गाड़ी हाईवे पे दौड़ाते हो या फिर एक्सप्रेस पे दौड़ाते हो तो आपको विंड नॉइस है, जो विंड ब्लास्ट है वो काफ़ी सुनाई देगा, वो थोड़ा आपके इरिटेटिंग हो सकता है। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो थार आपको सिटी में माइलेज 6-7 की देगी और हाईवे पे आपको माइलेज अराउंड 9-10 की मिल सकती है। अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं या फिर आप मेरी प्रेफरेंस पूछोगे कि कौन सी गाड़ी बेटर है या फिर कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात करूं तो
थार का प्राइस जो ये मॉडल है इसका प्राइस है अराउंड 17 लाख और जो ये जिमनी है इसका प्राइस है अराउंड 16.5 लाख। सो प्राइस के हिसाब से दोनों गाड़ी सेम है, दोनों 4x4 हैं, दोनों हार्ड टॉप आते हैं। जिमनी का जो हार्ड टॉप है वो उसको आप सॉफ्ट टॉप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, थार का जो हार्ड टॉप है उसको खोल के आप ओपन थार बना सकते हो। माइलेज के हिसाब से जिमनी थोड़ा बेटर माइलेज देती है, थार की माइलेज थोड़ी कम है, पावर थार में ज़्यादा है, जिमनी में पावर कम है। ग्राउंड क्लियरेंस थार का ज़्यादा, जिमनी का ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज़्यादा नहीं है। और ड्राइव और कंफर्ट, कैबिन कंफर्ट की बात करूँ तो थार में कैबिन कंफर्ट ज़्यादा है और जिमनी में कैबिन कंफर्ट इतना नहीं है। थार ईज़ ऑफ ड्राइव के हिसाब से भी अच्छी है क्योंकि अगर आप यूज़ टू हो जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा थार चलाने में। सो इन दी एंड मैं अगर पर्सनली सजेस्ट करूँगा या फिर पर्सनली मैं अगर लेना चाहूँगा देन आई विल गो फॉर थार एनी डे, क्योंकि मैंने गाड़ी काफ़ी चलाई है, कसोल में लेके गया था थार। सो इन दी एंड आई विल सजेस्ट कि आप अगर ले रहे हो और इसी रेंज में ले रहे हो और आपको एसयूवी मतलब रगेड लुक में चाहिए तो यू शुड गो फॉर थार इंस्टीड ऑफ जिमनी। सो ये था हमारा फाइनल वर्डिक्ट और ये था हमारी फाइनल वीडियो ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन जिमनी एंड थार। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब कर लो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। दिस इज जे फ्रॉम चैनल जे सिंह ब्लॉग्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।